आज हमारा सॉफ्टवेयर है जावा, प्रोग्राम नंबर 7 है, नेस्टेड लूप। जैसे लास्ट टाइम आपने एक नेस्टेड लूप किया है जिसके अंदर आपने डबल लूपिंग के जरिए दो स्टेटमेंट्स के ऊपर लूप क्रिएट करके उन्हें प्रिंट करवाया है, इसी तरह आज भी हम वही काम करेंगे। लेकिन आज हम क्या करेंगे कि नेस्टेड लूप के जरिए टेक्स्ट के साथ साथ हम नंबर्स को भी डबल लूप करके प्रिंट करवाएंगे। और आज का जो हम नेस्टेड लूप यूज़ करेंगे, उस नेस्टेड लूप में मैं आपको, जिस तरह लास्ट टाइम हमने जो नेस्टेड लूप यूज़ किया था उसमें हमने दो वेरिएबल बनाए थे, उन दोनों वेरिएबल को हमने जो कंडीशन उनकी सेट की थी वो फॉर लूप के थ्रू सेट की थी। लेकिन इस नेस्टेड लूप में जो आज हम करेंगे प्रोग्राम नंबर 7 के अंदर, हम नंबर्स और टेक्स्ट दोनों प्रिंट करवाएंगे और इसके अंदर हम दो अलग अलग लूप सेट करेंगे डबल लूप करने के लिए। एक वाइल लूप का यूज़ किया जाएगा और फॉर लूप का यूज़ किया जाएगा, ठीक है। नेस्टेड लूप की एक्सप्लेनेशन मैं आपको लास्ट टाइम बता चुकी हूँ कि इस नेस्टेड लूप डबल लूप क्रिएट करने के दो स्टेटमेंट्स पे, दो अलग अलग स्टेटमेंट पे डबल लूप लगाने के लिए यूज़ किया जाता है, ठीक है। अब अपना स्टार्ट करते हैं प्रोग्राम। फाइल में जाएंगे, न्यू प्रोजेक्ट में जाएंगे जिसकी शॉर्टकट की है शिफ्ट कंट्रोल शिफ्ट एन। यहाँ से आप कैटेगरी में से जावा ले लेंगे, प्रोजेक्ट्स में से जावा एप्लीकेशन सेलेक्ट कर लेंगे, नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे आप अपने प्रोजेक्ट का कोई भी नाम सेट कर सकते हैं, जो भी नाम आप सेट करेंगे वो नाम, उस नाम का जो पहला लेटर होगा, वर्ड का पहला लेटर कैपिटल होना चाहिए, ठीक है। मैंने दोबारा नेस्टेड लूप भी सेट कर दिया जैसे प्रीवियस प्रोग्राम में मैंने सेट किया था, और साथ में आगे इसके वन डाल दिया ताकि वो दोनों प्रोग्राम के नाम सेम ना हो और मुझे एरर को सही करने की ज़रूरत ना पड़े, यानी कि नाम चेंज करने की ज़रूरत ना पड़े, ठीक है। या फिर आप इसका दूसरा नाम भी रख सकते हो, हम पैटर्न के जरिए भी क्रिएट कर सकते हैं, तो ये नाम भी रख सकते हो, नेस्टेड लूप विद पैटर्न, ठीक है। पैटर्न मीन्स जो आपका पैटर्न आएगा, क्या कहते हैं, 1, 2, 3 यानी नंबरिंग और टेक्स्ट के साथ, ठीक है। आप फिनिश पे क्लिक कर देंगे आप, यहाँ पे आपके पास न्यू प्रोजेक्ट ओपन हो जाएगा नेस्टेड लूप के लिए। जो हम नेस्टेड लूप आज अप्लाई करेंगे वो टेक्स्ट और नंबरिंग दोनों पे अप्लाई किया जाएगा। अभी जो आपका लाइट टेक्स्ट है आप इसे रिमूव कर देंगे, आपके जो प्रोग्राम की बॉडी वाले ब्रैकेट्स हैं इनको नई लाइन में शिफ्ट कर देंगे। बताया जा चुका है प्रीवियस हर प्रोग्राम में बताया गया, मैं दोबारा रिपीट कर देती हूँ ताकि आपको अच्छे से ये मेमोराइज हो जाए चीज़ें। पैकेज क्या होता है, मेमोरी के अंदर स्पेस क्रिएट करता है, ठीक है, आपके प्रोग्राम्स के लिए। पब्लिक क्लास क्या होती है, ये एक तरह से हेडर फाइल होती है जो आपकी क्लास होती है, जो आपके प्रोग्राम को रीड और रन करने में हेल्प करती है। पब्लिक स्टैटिक वॉइड, ये आपके लिए खाली फाइल उठाती है जिसके अंदर अपना प्रोग्राम टाइप कर सकते हो। स्ट्रिंग, ये सेट ऑफ कैरेक्टर कहलाता है जिसमें आर्ग्यूमेंट सेट है, हम इसे हटाकर आर्ग्यूमेंट से लिखेंगे क्योंकि हम यहाँ पर इसको रिमूव नहीं करेंगे। अब जो हम सेट ऑफ करेक्टर करें स्ट्रिंग के थ्रू वो आर्ग्यूमेंट से, क्योंकि इस प्रोग्राम के अंदर जो नेस्टेड लूप हम अप्लाई करें वो टेक्स्ट भी है और वो नंबरिंग के ऊपर भी अप्लाई होगा, तो टेक्स्ट और नंबरिंग दोनों यूज हो रही है, इसलिए हम यहाँ पर आर्ग्यूमेंट से सेट करेंगे, जो कि मैंने आपको बताया था फर्स्ट लेक्चर में, फर्स्ट प्रोग्राम में, कि आर्ग्यूमेंट्स नंबर्स करेक्टर हर चीज़ के लिए यूज हो जाता है। अब अपना स्टार्ट करेंगे नेस्टेड लूप। सबसे पहले आपने यहाँ पे क्या किया, इंटीजर बनाया आई का, ठीक है। अब आपने क्या किया, पहले हम आई के ऊपर काम करेंगे, हम बताएंगे आई हमारा किसके इक्वल है, 1 के इक्वल। अब हम जो इंटीजर हमारा वेरिएबल आई है इसको हम किसके थ्रू सेट करेंगे, वाइल्ड लूप के थ्रू, ठीक है। ब्रैकेट ओपन करेंगे, आई लेस देन इक्वल टू क्या आ गया, 5 आ गया। अब हमने कंडीशन सेट कर दी अपनी आई वेरिएबल के लिए। अब ब्रैकेट ओपन करेंगे स्टेटमेंट को प्रिंट करवाने के लिए, एंटर करेंगे, क्लोजिंग का साइन खुद आ जाएगा। अब यहाँ पे हम टाइप करेंगे सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट, ठीक है, ln, ब्रैकेट ओपन करेंगे, सिस्टम का एस हमेशा कैपिटल होना चाहिए। यहाँ पे अगर आप कोई टेक्स्ट लिखना चाहते हैं तो लिखेंगे, हम लिखेंगे आउटर लूप इटरेशन, यानी कि आउटर लूप इटरेशन हम सेट कर रहे हैं, ठीक है, इटरेशन को सेट कर रहे हैं हम, और आउटर लूप इटरेशन ये हमारा मैसेज आएगा, उसके बाद उसके अंदर क्या प्लस होकर आएगा, आई, यानी कि आई प्रिंट होकर आएगा, ठीक है। यहाँ पे हमने सेमी कॉलम लगा के इसे क्लोज कर दिया।
अब हमने जो हमारा फर्स्ट वेरिएबल था आई, इसको हमने व्हाइल लूप के थ्रू सेट किया। अब हमारा जो दूसरा वेरिएबल होगा यानी दूसरे स्टेटमेंट के लिए जो होगा डबल लूप के लिए नेस्टेड लूप जो हम अप्लाई करेंगे, तो दूसरे स्टेटमेंट्स को प्रिंट आउट करवाने के लिए हम दोबारा से दूसरा वेरिएबल क्रिएट करेंगे। उस वेरिएबल के जो कंडीशन है हम फॉर लूप के जरिए सेट करेंगे। ठीक है, अब मैं यहाँ पे देखें, आप अगर इंटीजर, जैसे मैंने सिर्फ आई क्रिएट किया, मैंने जे यानी कि आई जे या कोई भी दूसरा इंटीजर वेरिएबल सेट नहीं किया, तो उसको आप डायरेक्टली फॉर लूप में भी सेट कर सकते हैं। जैसे आपने फॉर लिखा, ब्रैकेट ओपन करेंगे तो डायरेक्टली यहाँ उसका इंटीजर बना दें, वो इशू नहीं है कि आप उसे अलग से बनाएं। आप फॉर लूप की जो कंडीशन है उसके अंदर भी बना सकते हैं, यानी कि इंटीजर भी आ जाएगा और साथ में काउंटर और उसकी कंडीशन भी आ जाएगी। अब हमने बनाया फोर के जरिए इंटीजर जे वेरिएबल का, जे वेरिएबल किसके इक्वल है, काउंटर कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, वन, और लेस देन हम कहाँ तक करेंगे, इक्वल टू थ्री कर दिया। फिर क्या कर दिया, जे प्लस प्लस यानी इंक्रीमेंट, यानी अपनी कंडीशन पे जाके क्या हो जाए, स्टॉप। अब फोर लूप के जरिए हमने कंडीशन सेट किए, अब हमने जे वेरिएबल के लिए अपना स्टेटमेंट टाइप करना है, तो दोबारा आप क्या करेंगे, प्रोग्राम की बॉडी ओपन करेंगे, एंटर प्लस करेंगे, क्लोजिंग का साइन आ जाएगा, यहाँ टाइप कर देंगे सेकेंड स्टेटमेंट सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन, ब्रैकेट ओपन करेंगे। सबसे पहले आप क्या चाहते हैं, क्या प्रिंट होके आए, आई यानी टेक्स्ट के तौर पर आई आए, इक्वल टू आए। ठीक है, उसके बाद आप क्लिक करेंगे यहाँ पे, ठीक है, उसके बाद आपका क्या आए, प्लस करेंगे आई, फिर उसके बाद क्या प्लस करेंगे, इन्वर्टेड कॉमास के अंदर सेमी कॉलम डालेंगे। ठीक है, उसके बाद हमारा क्या आ जाएगा, जे आ जाएगा, इक्वल टू आ जाएगा, उसके बाद हम सेमी कॉलम के बाद क्लिक करेंगे, फिर यहाँ प्लस, फिर यहाँ जे, उसके बाद हमने आई को क्लोज करना है, तो इस वाला जो कर्ली ब्रैकेट है सेकेंड स्टेटमेंट का, इसके बाद क्लिक करके यहाँ पे हम अपने जे को क्या कर देंगे, सॉरी आई को क्या कर देंगे, स्टॉप कर देंगे इस तरह से। अभी आपका जो नेस्टेड लूप है, सेकंड नेस्टेड लूप है, जिसके अंदर हम टेक्स्ट और नंबर दोनों के ऊपर अपना डबल लूप अप्लाई कर रहे हैं, वो कम्प्लीट हो गया है। अब इसका हमने रिजल्ट देखना है, तो रिजल्ट के लिए आप क्या करेंगे, रन मेन्यू में जाएंगे, यहाँ से रन प्रोजेक्ट कर लेंगे। इसके अलावा इसकी शॉर्टकट की क्या है, कीबोर्ड से F6 प्रेस करेंगे। देखिए यहाँ पे आपके पास सर्चिंग आ रही है, रन ये आपका आ गया नेस्टेड लूप विथ टेक्स एंड नंबरिंग, आउटर लूप रोटेशन 1 से 3 टाइम्स, जो भी आपने टेक्स लिखा था उस से प्रिंट होकर आ गया। ठीक है, तो आपका जावा का प्रोग्राम नंबर 7 नेस्टेड लूप विथ टेक्स एंड नंबरिंग कंप्लीट हो गया है। आप इसे नोट डाउन करके इसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं।